दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हो कि बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सेटाइल सुपरस्टार अजय देवगन इन दिनों अपनी आ चुकी मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया दृश्यम के पार्ट टू को लेकर काफी चर्चाओं में हैं, जिसे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज भी भाई आज 3 दिन हो चुके हैं। यानी कि भैया आज ये फिल्म लगभग लगभग अपना पहला वीकेंड कंप्लीट कर चुकी है और कल से इस फिल्म का अग्नि परीक्षा शुरू होने वाला है। यानी भैया कल इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 4th दिन है और कल से ये फिल्म वर्किंग डे में एंट्री मार लेगी पहले मंडे के माध्यम से। तो भाई इस फिल्म को पहले वर्किंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर कैसा कलेक्शन मिलने वाला है एडवांस बुकिंग की मदद से? क्या ये फिल्म पहले वर्किंग डे पर अग्नि परीक्षा पास करने में सफल रहेगी? क्या भाई बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर का जादू पहले वर्किंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर चलने वाला है? चलिए मैं आपको बताता हूँ इस फिल्म के पहले वर्किंग डे के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हो कि भैया पहले 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए अजय देवगन ने ये बात तो साफ कर दी है कि भैया उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इस साल के लिए सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित होने वाली है बॉलीवुड के लिए। यानी कि भाई 3 दिनों में तो भैया इस फिल्म का जादू बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिला है और भाई 4th दिन को भी लेकर ऐसे ही संकेत बॉक्स ऑफिस से मिलते नजर आ रहे हैं। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया अभी तक इस फिल्म के 35,152 टिकट यानी कि भाई 35,152 टिकट अभी तक इस फिल्म के पहले मंडे के लिए बेचे जा चुके हैं। और भाई इतने टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को भैया पहले वर्किंग डे के लिए जो एडवांस बुकिंग मिल चुका है उसका आंकड़ा है 76,70,000 का। यानी कि भाई फुल फिगर में कहें तो 76,70,325 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को पहले वर्किंग डे के लिए भी मिल चुका है। और भाई इस कलेक्शन को देखने के बाद इस फिल्म को लेकर ये बात कही जा रही है कि भैया ये फिल्म कल भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार बिजनेस करने वाली है। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया इस फिल्म को तो पहले वर्किंग डे पर भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है ऑडियंस के द्वारा, तो भैया आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म पहले हफ्ते में 100 करोड़ का आंकड़ा छूने में कामयाब रहेगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।